ये है, इफ एफ एक्स इज इक्वल टू 3x की पावर 4, एफ एक्स इज इक्वल टू 3x की पावर 4 माइनस 5x स्क्वायर प्लस 9 फाइंड एफ एक्स माइनस वन कॉमा फाइंड एफ एक्स माइनस वन, ये पूछा जा रहा है। तो ये देखिए बिल्कुल बेहद आसान चीज है, जैसा कि आपने अगर याद हो तो 9th क्लास में आपने एक चैप्टर करा था पॉलिनोमियल्स, उसमें हम क्या करते थे कि अगर मान लीजिए एफ एक्स दे रखा है और यहाँ पर आपसे ये पूछा जाए कि आप एफ वन की वैल्यू बताइए, तो आपको क्या करना था कि एक्स की जगह आप जहां जहां पर एक्स है वहां वहां पर वन डालते चले जाएंगे। अब आपको क्या कर रखा है कि एफ एक्स दे रखा है और वो बोल रहे हैं कि आप एफ एक्स माइनस वन निकालिए, तो इस पूरे एक्सप्रेशन में जहां जहां पर एक्स है वहां वहां पर एक्स माइनस वन डालते चले जाओ और इसको सॉल्व कर लो। देखिएगा कैसे करेंगे, एफ एक्स माइनस वन क्या हो गया 3 x − 1 की पावर 4 −5 x − 1 का स्क्वायर + 9, ये हो गया। अब देखिएगा जैसे x माइनस वन की पावर 4 है तो मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, 3 x − 1 का होल स्क्वायर −5 x − 1 का होल स्क्वायर। तो x माइनस वन का होल स्क्वायर क्या हो गया, जैसे कि a माइनस बी का होल स्क्वायर हो तो a माइनस बी के होल स्क्वायर वाला फॉर्मूला लगा देंगे यहाँ पर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस टू ए बी, ये फॉर्मूला लगेगा। तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर यानी कि प्लस वन का स्क्वायर माइनस टू ए बी, माइनस टू इंटू एक्स इंटू वन प्लस नाइन, यहां इसको ब्रैकेट को क्लोज कर दीजिए और फिर इसके बाद में आप देखिएगा कि 3 x − 1 के होल स्क्वायर को हम क्या करेंगे, एक्स का स्क्वायर प्लस वन का स्क्वायर माइनस टू इंटू एक्स इंटू वन, सेम कहानी इसकी एक्स माइनस वन के होल स्क्वायर की, एक्स का स्क्वायर प्लस वन का स्क्वायर माइनस टू इंटू एक्स इंटू वन, और फिर इसको एक्सपेंड करिए −5 × (x²+1 − 2x) और प्लस का 9, ये आपने पूरा ब्रैकेट क्लोज कर दिया, इज इक्वल टू 3 × ये हो जाएगा x²+1 − 2x, इसी तरीके से ये भी x²+1 − 2x −5 × x²+1 − 2x और प्लस का 9, ये हो गया। ये करने के बाद में फिर देखेंगे 3 ऐसे हैं, अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो x² पहले इन तीनों टर्म से मल्टीप्लाई होगा, तो x² × x² क्या हो गया x की पावर 4, x² × 1 क्या हो गया x² × −2x हो गया −2x की पावर 3, फिर 1 × x² + 1 − 2x ये क्या हो जाएगा, एक्सक्यूज मी सर, जो फर्स्ट एक्सप्रेशन है मतलब सॉल्यूशन में उसमें तो 3 में एक ब्रैकेट मल्टीप्लाई हो रहा है एंड बॉड मास के हिसाब से तो हमें पहले ब्रैकेट सॉल्व करना चाहिए ना, आपने फिर वो पूरा एक ब्रैकेट में क्यों लिया। हाँ सही कह रहे हैं, ये जो है ये मैंने ब्रैकेट गलत लगा दिया यहाँ पर, हाँ ये ब्रैकेट गलत लगा दिया, ये ब्रैकेट हटा दो बड़े वाला, बाकी सब ठीक है, ये बड़े वाला ब्रैकेट हटा देंगे, ये ब्रैकेट हटा दो, बस बड़े वाला ब्रैकेट आप हर एक स्टेप में हटा दीजिए, ये मैंने गलत लगा दिया। समझ गए सभी बच्चों को, क्लियर है कि जैसे यहाँ पर 3 × x − 1 की पावर 4 है तो 3 × x − 1 का स्क्वायर × x − 1 का स्क्वायर − 5 × x − 1 का स्क्वायर + 9, तो बड़ा ब्रैकेट पता नहीं कहाँ से दिमाग में कैसे निकल दिया, वो बड़ा ब्रैकेट आप हटा दीजिए, वो गलत लगाया था मैंने, ठीक। तो अब आप देखिएगा कि ये हो गया x² + 1² − 2 × x * 1, सिमिलरली x² + 1² − 2 × x * 1,
ये पहले मैं कर ही चुका था, एक्स स्क्वायर प्लस वन स्क्वायर माइनस टू इंटू एक्स इंटू वन, तो एक्स स्क्वायर प्लस वन माइनस टू एक्स और लास्ट में प्लस का नहीं। यहाँ तक क्लियर है सभी को? यहाँ तक चलिए जी, तो आगे देखते हैं। अब एक्स स्क्वायर को इसमें मल्टीप्लाई करा तो एक्स स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर एक्स की पावर फोर, एक्स स्क्वायर इंटू वन एक्स स्क्वायर, एक्स स्क्वायर इंटू माइनस टू एक्स माइनस टू एक्स क्यूब हो गया। फिर वन इंटू एक्स स्क्वायर वन इंटू वन वन और वन इंटू माइनस टू एक्स हो गया, माइनस टू एक्स इंटू एक्स स्क्वायर ये हो जाएगा माइनस टू एक्स क्यूब, माइनस टू एक्स इंटू वन ये हो जाएगा माइनस टू एक्स, फिर माइनस टू एक्स इंटू माइनस टू एक्स ये हो जाएगा प्लस का फोर एक्स स्क्वायर। उसके बाद फाइव को इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस फाइव एक्स स्क्वायर, एक्सपैंड कर रहा हूँ, माइनस फाइव एक्स स्क्वायर माइनस फाइव इंटू वन हो गया माइनस फाइव, और माइनस फाइव इंटू माइनस टू एक्स हो गया प्लस का टेन एक्स प्लस नाइन ये हो गया। उसके बाद देखिएगा थ्री और ब्रैकेट में x की पावर फोर वाला कोई टर्म नहीं है, ठीक है, तो x की पावर फोर लिखेंगे बस एक बार, फिर उससे छोटा देखेंगे x की पावर थ्री वाला टर्म, तो माइनस टू एक्स क्यूब और माइनस टू एक्स क्यूब ये क्या हो जाएगा माइनस का फोर एक्स क्यूब, तो ये हो गया माइनस का फोर एक्स क्यूब। फिर देखेंगे फिर है प्लस का एक्स स्क्वायर, प्लस का एक्स स्क्वायर ये हो गया टू एक्स स्क्वायर, फिर हो गया प्लस फोर एक्स स्क्वायर, तो टू एक्स स्क्वायर प्लस फोर एक्स स्क्वायर हो गया सिक्स एक्स स्क्वायर, सिक्स एक्स स्क्वायर। फिर देखिएगा एक्स वाली टर्म देखिए, एक्स वाली टर्म है माइनस टू एक्स और माइनस टू एक्स ये हो गया माइनस फोर एक्स, और कॉन्स्टेंट टर्म केवल एक है वन, बस वन ही है तो प्लस का वन लिख दीजिए। फिर माइनस फाइव एक्स स्क्वायर माइनस फाइव प्लस टेन एक्स प्लस नाइन, अब क्या करो अब इसको भी एक्सपेंड कर दो, ये एक्सपेंड करके मैं इस तरफ देखूंगा देखिए थ्री एक्स की पावर फोर तो ये हो गया थ्री एक्स की पावर फोर थ्री एक्स की पावर फोर, इसको इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे तो माइनस ट्वेल्व एक्स क्यूब हो जाएगा माइनस ट्वेल्व एक्स क्यूब, फिर थ्री इंटू सिक्स एक्स स्क्वायर तो एटीन एक्स स्क्वायर हो गया, एटीन एक्स स्क्वायर यहां तक आ गया, फिर थ्री इंटू माइनस फोर एक्स हो जाएगा माइनस का ट्वेल्व एक्स, और थ्री इंटू प्लस का वन ये हो गया प्लस का थ्री, फिर माइनस फाइव एक्स स्क्वायर माइनस फाइव एक्स स्क्वायर माइनस फाइव प्लस टेन एक्स, माइनस फाइव एक्स स्क्वायर माइनस फाइव प्लस टेन एक्स प्लस नाइन, तो ये हो गया थ्री एक्स की पावर फोर और माइनस ट्वेल्व एक्स क्यूब एज इट इज, और एक्स स्क्वायर वाली टर्म देखिए दो है, एटीन एक्स स्क्वायर माइनस फाइव एक्स स्क्वायर तो ये हो गया प्लस का थर्टीन एक्स स्क्वायर। उसके बाद देखिएगा x वाली टर्म तो माइनस ट्वेल्व एक्स और माइनस टेन एक्स ये कितना हो गया माइनस का टू एक्स, और नाइन प्लस थ्री ट्वेल्व, ट्वेल्व माइनस फाइव कितना हो गया सेवन, तो प्लस का सेवन। बताइए सभी को क्लियर है ये वाला क्वेश्चन? यस सर, यस सर। ठीक है ये हो गया। इसके बाद आप ये देखिएगा ये आगे एग्जाम्पल नंबर टू है, तो यहाँ पर क्या है सिर्फ और सिर्फ वैल्यूज पुट करने वाले ही क्वेश्चन है, रियल फंक्शंस में कोई ज्यादा क्वेश्चन मुश्किल आपको नहीं मिलेंगे। तो एग्जांपल नंबर टू देखिएगा, एग्जांपल नंबर टू में है इफ एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स प्लस वन अपॉन एक्स, सर इसमें ऐसी ऐसी क्वेश्चन आएंगे जिसमें बस वैल्यू पुट करनी है हमें, नहीं ऐसा नहीं है, अभी अलग तरीके के भी आएंगे। ये तो मैंने शुरुआत में एक क्वेश्चन बताया आपको कि रियल फंक्शंस में एक तरीके का क्वेश्चन ये हो गया कि आपको एफ एक्स दे रखा है और आपसे कोई भी वैल्यू पूछी जाए तो आपको क्या करना है कि एक्स की जगह वो वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देनी है। तो अभी तो पहला ही क्वेश्चन है, अभी और भी आगे क्वेश्चन आएंगे तब हम बताएंगे कि टोटल थ्री टाइप्स के क्वेश्चन आएंगे, ठीक है। तो एफ एक्स की वैल्यू है एक्स प्लस वन अपॉन एक्स, प्रूव दैट ये दे रखी है एफ एक्स की वैल्यू, फिर है प्रूव दैट, क्या प्रूव करना है देखिएगा, एफ एक्स का होल क्यूब
so that f x का होल क्यूब इज इक्वल टू f x cube plus 3 f 1 upon x 3 f 1 upon x और देखिएगा मेरे को ये चीज प्रूव करनी है तो सबसे पहले मुझे क्या करना है एफ एक्स का होल क्यूब करना पड़ेगा तो लेफ्ट हैंड साइड लेकर चलेंगे सबसे पहले इसमें हम लेफ्ट हैंड साइड है एफ एक्स का होल क्यूब एफ एक्स का होल क्यूब अब देखिएगा एफ एक्स क्या है एफ एक्स है एक्स प्लस वन अपॉन एक्स तो ये हो गया x प्लस वन अपॉन एक्स का होल क्यूब अब मुझे a प्लस बी के होल क्यूब वाला फॉर्मूला लगाना है तो a प्लस बी का होल क्यूब क्या होता है a क्यूब प्लस b क्यूब a प्लस बी का होल क्यूब a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3ab स्क्वायर प्लस 3a स्क्वायर b ये हो गया तो ये हो गया x क्यूब प्लस 1 अपॉन x क्यूब तो 1 का क्यूब क्या हो गया 1 और डिनोमिनेटर में x है x का क्यूब क्या हो गया x क्यूब प्लस 3 इंटू x इंटू 1 का स्क्वायर 1 और डिनोमिनेटर में x का स्क्वायर x स्क्वायर तो 8x से 8x कट गया सिमिलरली यहां पर 8x से ये x कट गया बेटा ये आ जाएगा केवल 3x तो x क्यूब प्लस 1 अपॉन x क्यूब प्लस 3x प्लस 3 अपॉन x ये हो गया ये तो हमारा लेफ्ट हैंड साइड हो गया फिर मैं कैलकुलेट करूंगा अलग से राइट हैंड साइड और देखूंगा कि दोनों वैल्यूज अगर इक्वल आ गई तो हमारा काम हो गया तो राइट हैंड साइड लेकर चलते हैं राइट हैंड साइड लेकर चलेंगे राइट हैंड साइड है एफ एक्स क्यूब प्लस 3 टाइम्स ऑफ एफ 1 अपॉन एक्स ये है ये वाला मिटा दूं मैं पहला वाला क्वेश्चन कर लिया था यस सर यस सर चलिए ये मिटा रहा हूं ये हो गया एफ एक्स क्यूब तो एफ एक्स क्यूब क्या होगा जैसे कि एफ एक्स है तो ब्रैकेट में इधर एक्स है तो ये आ गया एक्स प्लस वन अपॉन एक्स अब ब्रैकेट में एक्स क्यूब है तो जहां जहां पर आपको एक्स दिखाई दे वहां वहां पर एक्स क्यूब डाल दीजिए बस तो क्या हो जाएगा जहां जहां पर एक्स है जब एफ एक्स था तो एक्स प्लस वन अपॉन एक्स तो यहां पर एक्स है एक्स की जगह डालो एक्स क्यूब प्लस यहां पर एक्स था इसकी जगह भी एक्स क्यूब डाल दीजिए तो एक्स क्यूब प्लस 1 upon x cube plus 3 times of f 1 upon x. अब f 1 upon x का मतलब क्या है? f 1 upon x का मतलब ये है कि जैसे हमारा f x था, तो जहाँ जहाँ पर x है, वहाँ वहाँ पर 1 upon x डाल दीजिए, ठीक है? तो सबसे पहले x था, तो x की जगह आप लिख देंगे 1 upon x, ठीक है? लिख दिया 1 upon x plus अब यहाँ पर x था, तो इसकी जगह लिखो 1 upon x तो plus 1 upon x ये हो गया। मैं ही जानता हूँ ये जब भी कभी डिनोमिनेटर का भी कोई डिनोमिनेटर होता है तो वो न्यूमरेटर में आ जाता है अगर इस चीज में आपको कंफ्यूजन होता है तो समझ जाइए 1 डिवाइडेड बाय 1 अपॉन x है 1 डिवाइडेड बाय 1 अपॉन x तो ये क्या हो जाएगा ये हो जाएगा 1 मल्टीप्लाइड बाय x अपॉन 1 ठीक है एंड दिस विल बी इक्वल टू x तो 1 अपॉन x x के बराबर हो जाएगा ये समझ गए सभी बच्चे यस सर अंश ये चीज क्लियर है अंश अनुभव अर्जुन आस्था भव्या यस सर ठीक है बेटा आगे चलता हूँ मैं
ये हो गया एक्स क्यूब प्लस 1 अपॉन एक्स क्यूब, और ये 3 इंटू 1 अपॉन एक्स क्या हो जाएगा 3 अपॉन एक्स, और ये आ गया मेरे पास केवल x बचा, तो ये हो गया 3x इज इक्वल टू LHS। यही चीज मुझे प्रूव करनी थी, समझ गए कि नहीं? 3 अपॉन x पहले लिख दिया, 3x बाद में लिख दिया, एक ही बात है, कोई प्रॉब्लम तो नहीं? बताइए, समझ गए दीपांशी, देवशी, बताइए। यस सर। ठीक है ना, 3 इंटू 1 अपॉन x हो गया 3 अपॉन x, और ये वाला टर्म x के ही इक्वल है, तो 3 into x क्या हो जाएगा 3x हो जाएगा, दिस इज इक्वल टू LHS। यही मुझे प्रूव करना था। ठीक है पार्थ, विदुषी बताइए, समझ गए? यस सर। ठीक है कृति, क्लियर है? यस सर। ठीक है अगला देखता हूँ, ये एग्जांपल नंबर 1, फिर एग्जांपल नंबर 2, इसी तरीके से एग्जांपल नंबर 3 है। एग्जांपल नंबर 3 देखिएगा, ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है। एग्जाम्पल नंबर 3 में हमने दे रखा है, इफ एफ एक्स इज इक्वल टू 1 अपॉन 2x प्लस 1, इफ एफ एक्स इज इक्वल टू 1 अपॉन 2x प्लस 1, कॉमा एक्स इज नॉट इक्वल टू -1/2, एक्स इज नॉट इक्वल टू -1/2, दैट शो दैट then show that f of fx is equal to (2x + 1/2)/(2x + 3). comma provided that x is not equal to -3/2। अब देखिएगा यहां पर क्या दे रखा है, सबसे पहले ये दिया है हमको इस क्वेश्चन में कि एफ एक्स इज इक्वल टू 1/2x + 1। ये जो वैल्यू दे रखी है 1/2x + 1, मैं ये जानता हूं कि कभी भी कोई भी रैशनल नंबर होता है या रैशनल फंक्शन होता है, रैशनल फंक्शन का मतलब जहां पर भी न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर दे रखा होता है, तो यहाँ न्यूमरेटर 1 है और डिनोमिनेटर है 2x + 1। तो आप ये देखेंगे कि यहाँ पर डिनोमिनेटर 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए, नहीं तो ये नॉट डिफाइंड हो जाएगा, तो इसी वजह से x इज नॉट इक्वल टू -1/2 दे रखा है। देखो अगर 2x + 1 0 के बराबर हो गया तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी -1/2, और जो डिनोमिनेटर है डिनोमिनेटर में 2x + 1, देख समझ रहे हो ना कि अगर डिनोमिनेटर को 0 के बराबर रख दिया, यानी कि 2x + 1 को 0 के बराबर रख दिया, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, ये 1 इधर आ गया -1, और 2 यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है, डिनोमिनेटर में चला गया, तो -1/2, तो x की वैल्यू -1/2 आ गई, जबकि मुझे x की वैल्यू -1/2 नहीं चाहिए, तो x इज नॉट इक्वल टू -1/2, ये हो गया x is not equal to -1/2, इस वजह से इन्होंने ये दे रखा है। फिर मुझे प्रूव करना है कि f of fx वो आपका इस एक्सप्रेशन के बराबर होगा, एंड x is not equal to -3/2, तो ऑब्वियस सी बात है कि जो डिनोमिनेटर है 2x + 3, अगर इसको 0 के बराबर रखूंगा तो x की वैल्यू -3/2 हो जाएगी, और x -3/2 के इक्वल नहीं होना चाहिए, नहीं तो ये हमारा फंक्शन ही नॉट डिफाइंड हो जाएगा। मेरी बात सबको समझ में आ गई? yes, sir. ठीक है चलिए जी, अगला देखते हैं क्या प्रूव करना है। एफ ऑफ एफ एक्स, मैं ये कहूंगा एफ एक्स कितना गिवन है, पहले तो ये लिखेंगे 1/2x + 1। अब देखेंगे एफ ऑफ एफ एक्स ये क्या होता है, एफ ऑफ एफ एक्स का मतलब क्या है कि एफ के आगे ब्रैकेट में क्या लिखा हुआ है, एफ एक्स लिखा हुआ है ना, तो जब f के आगे x लिखा हुआ था तो क्या था 1/2 × x + 1, अब f के आगे ब्रैकेट में fx लिखा हुआ है तो क्या हो जाएगा 1/2
एफ एक्स प्लस वन। ये कहानी समझ में आती है कि नहीं, ये बताओ। हमने सिंपली रिप्लेस करा है, सिंपली रिप्लेस करा है। आप ये देखो, जब एफ एक्स क्यूब था तो ब्रैकेट में जब x लिखा हुआ था तो x प्लस वन अपॉन x था, तो अब f ब्रैकेट में क्या है, x क्यूब है, तो जहां जहां पर x है वहां वहां पर x क्यूब डालते चले जाओ। तो यहां पर x था, इसकी जगह x क्यूब डाल दिया, डिनोमिनेटर में x था, इसकी जगह x क्यूब डाल दिया, तो x क्यूब प्लस वन अपॉन x क्यूब आ गया। सिमिलरली जब f ब्रैकेट में x था तो वन अपॉन टू x प्लस वन, अब f ब्रैकेट में fx है तो जहां पर x है उसकी जगह fx डाल दो ना। बताइए क्लियर है कि नहीं? सर यहाँ पे जो fx है ये x है ना? हाँ, ये जो fx है यही x है, ब्रैकेट में जो लिखा हुआ है अब यही मेरे लिए x है, तो इसलिए मैंने x की जगह 2fx डाल दिया। बताइए समझ गए कि नहीं? यस सर। यस सर। ठीक है, अब ये जो fx है, इस fx की वैल्यू क्या है, 1 upon 2x plus 1, तो इस fx की वैल्यू यहां सब्स्टिट्यूट करिए, ये ऐसे हो जाएगा 1 अपॉन 2, और इस fx की वैल्यू हमें पता है कि इसकी वैल्यू ये है, तो fx की जगह मैं ये लिख दूंगा 1 अपॉन 2x प्लस 1, और इधर प्लस 1 था ही। बताइए जी ये सबको समझ में आ गया कि नहीं? यस सर। डिनोमिनेटर, पूरा डिनोमिनेटर अलग दिखाई दिए, अलग दिखाई दे, इस वजह से मैंने इसको एक स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर एनक्लोज कर दिया। बताइए अर्जुन क्लियर है? यस सर। ठीक है, चलिए जी अब अगला देखता हूं मैं, आगे इसको कैसे करेंगे। 2 into 1 upon 2x plus 1 क्या हो जाएगा, 2 upon 2x plus 1, ये ऐसे हो गया 1 upon 2 upon 2x plus 1, और ये प्लस का वन है तो इसको लिख देंगे प्लस वन अपॉन वन। तो अब देखो ये जो डिनोमिनेटर है, डिनोमिनेटर में इधर टू एक्स प्लस वन है और इधर वन है, तो जब दोनों अलग अलग टर्म्स होती हैं डिनोमिनेटर में तो एलसीएम लेना, एलसीएम लेने के नाम पर हम क्या करते हैं, दोनों को मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो वन और टू एक्स प्लस वन ये दोनों के दोनों मल्टीप्लाई हो गए। चलिए जी इधर करूंगा आगे, तो ये दोनों मल्टीप्लाई हो गए, 2x plus 1 और 1 मल्टीप्लाई हो गए, तो क्या आ जाएगा 1 upon 2x plus 1 ही आ गया नीचे। तो अब ये 1 तो इस 2 में मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 2 into 1 plus बीच में प्लस का साइन, और ये 1 2x plus 1 में मल्टीप्लाई हो जाएगा, 1 into 2x plus 1 ब्रैकेट बंद। किसी भी बच्चे को ना समझ में आया प्लीज पूछ लेना दोबारा। 1 अपॉन, अब देखिएगा क्या बनेगा, ये 2 प्लस 1 इंटू 2x कितना हो गया 2x, और 1 इंटू 1 क्या हो गया 1 अपॉन 2x प्लस 1। अब क्या होता है कि जो डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर है वो न्यूमरेटर में आ जाता है, तो ये 1 से मल्टीप्लाई हो गया ऊपर आकर, तो ये क्या हो गया 2x प्लस 1, और ये क्या बचा 2x प्लस 2 प्लस 1 कितना 3। बताइए क्लियर है? f ऑफ एफ एक्स यही आ गया 2x plus 1 upon 2x plus 3, जो इन्होंने कहा था प्रूव करने के लिए, समझ गए? Yes, yes, चलिए जी ये हमारा था एग्जाम्पल नंबर 3। एग्जाम्पल नंबर 3 के बाद में फिर मैं करूंगा एग्जाम्पल नंबर 4। एग्जाम्पल नंबर 4 देखिए, इफ एफ एक्स इज इक्वल टू example number 4 है, if fx is equal to x minus 1 upon x plus 1, x minus 1 upon x plus 1, comma x is not equal to minus 1, सीधी बात है x plus 1 अगर 0 के बराबर रख दिया
तो x की वैल्यू माइनस वन हो जाएगी, यानी कि डिनोमिनेटर आपका जीरो हो जाएगा, है ना। और डिनोमिनेटर जीरो नहीं होना चाहिए, तो x इज नॉट इक्वल टू माइनस वन, ये हमने लिख लिया यहाँ पर। फिर है देन शो दैट f ऑफ fx and show that f of fx, जैसे ये होता है ना fx, इसको बोलते हैं f of x, इसको बोलेंगे f of fx, यानी कि f fx बोल सकते हैं, is equal to minus 1 upon x, minus 1 upon x, provided that x is not equal to 0. Provided that x is not equal to 0. तो देखिएगा इसके सॉल्यूशन भी बिल्कुल इसी के जैसा जैसे इससे पहले वाले में करा था हमने। fx is equal to x minus 1 upon x plus 1, ये तो fx है। अब मुझे बात करनी है f of fx की, therefore f of fx अब क्या है कि जब f x था, तो जब ब्रैकेट में x था तो क्या था, x माइनस वन अपॉन x प्लस वन। अब आप क्या करिए, अब बेटा ब्रैकेट में है fx, अब जब ब्रैकेट के अंदर fx है तो जहां जहां पर x है वहां वहां पर fx डाल दीजिए, तो ये हो जाएगा fx माइनस वन अपॉन fx प्लस वन। अब देखिएगा जैसे ही fx है, अब fx की वैल्यू क्या है, x माइनस वन अपॉन x प्लस वन, तो fx की जगह ये वैल्यू डालो x माइनस वन अपॉन x प्लस वन, और माइनस का वन, इसको लिख दो माइनस वन अपॉन वन अपॉन, फिर ये नीचे डिनोमिनेटर में fx है तो fx की वैल्यू डालो x माइनस वन अपॉन x प्लस वन, और प्लस का वन, तो प्लस वन हो गया, तो प्लस वन को लिख दो वन अपॉन वन। यहाँ पर क्लियर है सभी को मेरी बात? यस सर, यस सर। ठीक है, इसके बाद देखिएगा आगे क्या करना है। अब x प्लस वन और वन इन दोनों का जब एलसीएम लेंगे तो ये आ जाएगा x प्लस वन, ये दोनों मल्टीप्लाई होगा x प्लस वन इंटू वन, तो x प्लस वन आ गया, फिर वन इंटू एक्स माइनस वन और माइनस वन इंटू एक्स प्लस वन, चलिए अपॉन, इसी तरीके से ये दोनों मल्टीप्लाई हो गए, तो डिनोमिनेटर में क्या आ गया x प्लस वन, फिर ये इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा तो वन इंटू एक्स माइनस वन, और बीच में प्लस का साइन और वन इंटू एक्स प्लस वन। एक तो ये हो गया नीचे और एक ये हो गया, तो ऊपर भी न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर आ रहा है, नीचे भी न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर आ रहा है। पहले इसको सिंप्लीफाई करो, 1 into x minus 1 क्या हो गया x minus 1, और minus 1 into x plus 1, तो minus 1 into x हो गया minus x, और minus 1 into plus 1 हो गया minus 1 upon x plus 1। फिर पूरे के अपॉन में 1 into x minus 1 क्या हो जाएगा x minus 1, और प्लस वन इंटू एक्स प्लस वन, तो प्लस का एक्स और प्लस का वन, और अपॉन में एक्स प्लस वन है ही। अब हम जानते हैं कि सबसे ऊपर वाला टर्म सबसे नीचे वाले टर्म से मल्टीप्लाई होकर न्यूमरेटर में आ जाता है, और बीच वाले टर्म्स आपस में मल्टीप्लाई होकर डिनोमिनेटर में आ जाते हैं। यहां तक समझ गए? ठीक है सर, हम एक्स प्लस वन एक दूसरे से काट नहीं सकते? काट सकते हैं, काट सकते हैं, बिल्कुल काट दो, उसको कोई दिक्कत नहीं है, आगे भी कटेगा ही। अब देखिएगा कि सबसे पहले मैं न्यूमरेटर का न्यूमरेटर देखता हूं, यानी कि ये यहां पर माइनस एक्स और प्लस एक्स कट गया, यहां पर माइनस वन और प्लस वन कट गया,
तो मेरे पास न्यूमरेटर में क्या बचा, माइनस वन माइनस वन यानी कि माइनस टू, माइनस टू इंटू ये सबसे नीचे वाला एक्स प्लस वन, माइनस टू इंटू एक्स प्लस वन। सिमिलरली डिनोमिनेटर में क्या बचा, एक्स प्लस एक्स यानी कि टू एक्स इंटू टू एक्स इंटू क्या, एक्स प्लस वन। तो एक्स प्लस वन से एक्स प्लस वन कट गया, टू से टू कट गया, तो ऊपर क्या बचा माइनस वन, और नीचे क्या बचा केवल एक्स। यही प्रूव करना था, समझ गए, समझ गए बेटा, चले आगे। हाँ जी बोलो, हाँ जी बोलिए, किसी को कोई डाउट है? अंश, अर्जुन, आस्था, भव्य, दीपांशी? नो सर। दिवस, कृति, लक्ष्य, पार्थ, दैये? नो सर। ठीक है, ये हमारा एग्जांपल नंबर फोर था, फिर देखेंगे एग्जांपल नंबर फाइव। Example 5 में है that f be defined by fx is equal to that small f be defined by fx is equal to x minus 4 and small g be defined by gx is equal to x square minus 16 upon x plus 4 comma when x is not equal to minus 4 when x is not equal to minus 4 or lambda when x is equal to minus 4 okay find lambda such that fx is equal to gx for all x. ठीक है, तो अब आप ये देखिएगा हर एक x के लिए, किसी भी x की किसी भी वैल्यू के लिए अगर मैं कहूं कि fx जो है वो gx के इक्वल है, तो मुझे लैम्बडा की वैल्यू निकालनी है। लैम्बडा की वैल्यू मतलब x की कोई भी वैल्यू लो आप, तो देखिए x की अगर पर्टिकुलरली वैल्यू माइनस फोर है तो वो gx की वैल्यू आ रही है लैम्बडा, ठीक है। और x की वैल्यू अगर माइनस फोर नहीं है, मतलब माइनस फोर के अलावा किसी भी वैल्यू पर आप लीजिए, तो gx की वैल्यू ये है x square minus 16 upon x plus 4, ठीक। तो मुझे तो लैम्बडा निकालना है, तो लैम्बडा किस पर निकलेगा, लैम्बडा तो तभी निकलेगा जब x की वैल्यू माइनस फोर होगी। मेरी बात समझ में आ रही है, जब x की वैल्यू माइनस फोर आएगी तभी तो gx की वैल्यू लैम्बडा है। तो उन्होंने बोला फॉर ऑल एक्स, एक्सक्यूज मी सर, फिर यहाँ पे gx कैसे लिखा, समझ नहीं आया। gx क्या है कि जैसे एक फंक्शन तो fx हो गया और एक फंक्शन gx हो गया, तो दो फंक्शन है। इन्होंने ये कहा कि gx जो है वो दो तरीके से डिफाइंड है। उन्होंने बोला कि अगर gx की जितनी भी वैल्यू, मतलब x की कितनी भी वैल्यू ले लीजिए, कोई भी वैल्यू ले लीजिए, तो gx की वैल्यू ये आ रही है एक्स स्क्वायर माइनस 16 अपॉन एक्स प्लस 4। x की कोई भी वैल्यू ले लो तो उसकी यही वैल्यू है, लेकिन बस x की वैल्यू माइनस फोर मत लेना। माइनस फोर के अलावा जितनी भी वैल्यूज हैं दुनिया में, जितने भी नंबर्स हैं, तो उन सब वैल्यूज पर, x की उन सब वैल्यूज पर gx की वैल्यू ये है। लेकिन अगर x इज इक्वल टू माइनस फोर है तो gx की वैल्यू लैम्डा है, समझ गए? सर यहाँ पे तो अगर x की वैल्यू माइनस फोर होगी वो तभी लैम्डा होगा, तो फिर वो इक्वल कैसे है, फिर फॉर ऑल x क्यों लिखा हुआ है? और ऑल एक्स इन्होंने ये बोला है कि
कि फॉर एक्स का मतलब ये है कि एक्स की हर किसी वैल्यू के लिए एफ एक्स इज इक्वल टू जी एक्स होगा। ये दोनों फंक्शंस इक्वल है एक्स की हर वैल्यू के लिए, ये दोनों फंक्शंस इक्वल है। आप वैसे भी देखोगे तो ये दोनों फंक्शंस इक्वल ही आ रहे हैं। कैसे? ये एक्स स्क्वायर माइनस 16 है, इसको मैं क्या बोलूंगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर माइनस 4 स्क्वायर हो जाएगा। तो न्यूमरेटर में क्या आ गया एक्स माइनस 4 इंटू एक्स प्लस 4, एक्स प्लस 4 से एक्स प्लस 4 कटेगा, केवल एक्स माइनस 4 बचेगा। एफ एक्स की वैल्यू भी एक्स माइनस 4 ही दे रखी है। तो इन्होंने बोला कि एक्स की हर वैल्यू के लिए एफ एक्स और जी एक्स इक्वल ही है, तो इसका मतलब एक्स की वैल्यू अगर माइनस 4 है ना तब भी एफ एक्स और जी एक्स इक्वल है फॉर ऑल एक्स, उन्होंने मेंशन करा है इस वजह से। समझ गए? Yes. कि अगर x की वैल्यू कुछ भी आप लीजिए तो वो दोनों के दोनों इक्वल ही हैं। तो हम ये कहेंगे यहाँ पर, बेटा बाकी बच्चों को भी क्लियर है बता दीजिए। Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. अच्छा चलिए जी, मैं देखता हूँ फिर आगे। ये है since fx is equal to gx, since fx is equal to gx और all x, therefore अगर x की जगह minus 4 भी डाल दिया जाए f minus 4 is equal to g minus 4, तो f minus 4 क्या हो जाएगा x की जगह minus 4 डाल दो बस, तो x की जगह minus 4 और बाद में minus 4 था ही, तो minus 4 minus 4 और g, g में अगर x की जगह minus 4 डाला, अगर x की जगह minus 4 डाला तो gx की वैल्यू आ रही है lambda, तो ये lambda है, तो minus 4 minus 4 minus 8 हो गया, तो लैम्बडा की वैल्यू हो गई माइनस 8। ये आंसर है इसका। समझ गए? यस सर। यस सर। चलिए जी, तो लैम्बडा की वैल्यू यहां से आ गई माइनस 8। उसके बाद ये 5 एग्जांपल कर लिए, सफिशिएंट है। एक्सरसाइज 3.2 के कुछ क्वेश्चंस आपको भेजूंगा, उसके बाद देखिएगा। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है डोमेन ऑफ रियल फंक्शंस। इसके बाद मैंने टोटल इसमें 5 एग्जांपल करवाए हैं, छठा एग्जांपल मैंने नहीं करवाया, उसकी जरूरत नहीं है, छोड़ दीजिए उसको, एग्जांपल नंबर 6 छोड़ दीजिए। अगला देखते हैं डोमेन ऑफ रियल फंक्शंस, नेक्स्ट टॉपिक। सर फंक्शन के पास दो टाइप है, रियल एंड इक्वल। अरे करवा तो लेना, तो बता रहा हूँ हमारे सिलेबस में फंक्शंस की बहुत सारी टाइप्स हैं, आगे और भी फंक्शंस आएंगे, कांस्टेंट फंक्शन, सिग्नम फंक्शन, लगभग 6-7 टाइप के फंक्शंस हैं, मॉडुलस फंक्शन, साइनोसॉइडल फंक्शन। अभी मैंने बस यही कराया तो इस वजह से अभी कंक्लूजन पर मत पहुंचो, ठीक है? चलिए नेक्स्ट हेडिंग आप डालें, डोमेन ऑफ रियल फंक्शंस। डोमेन ऑफ रियल फंक्शंस। अच्छा तुम्हारे यहाँ स्कूल में क्या चल रहा है दिवस? सर आजकल तो रिवीजन करा रहे हैं, वरना लीनियर इनइक्वालिटी चल रही थी। लीनियर इनइक्वालिटी चल रहा है सर हमारी स्कूल में भी। तुम्हारे यहाँ पर भी लीनियर इनइक्वालिटी चल रहा है? यस सर। या खत्म करवा दिया? सर स्टार्ट करवाया। स्टार्ट करा है। अच्छा अभी स्टार्ट करवाया है, वो खत्म भी जल्दी करवा देते हैं ना, इसलिए पूछा मैंने। चलिए जी अब जरा देखते हैं डोमेन ऑफ रियल। अच्छा ये रियल ऑफ रियल रिलेशंस एंड फंक्शंस करवा दिया कंप्लीट? नो सर। अच्छा चलिए ठीक है, मैं भी जल्दी एक काम करता हूँ, इसके बाद मैं भी लीनियर इनइक्वालिटीज ही करवाऊंगा फिर स्टार्ट। डोमेन ऑफ रियल फंक्शंस कैसे कैलकुलेट करा जाता है? हम ये कहेंगे कि जो एक्स की वैल्यू होती है ना, एक्स की वैल्यू ही डोमेन कहलाती है, ठीक? तो अब रियल फंक्शंस का डोमेन कैसे निकाला जाएगा वो देखते हैं। पेज नंबर 3.13 एग्जांपल नंबर 1। एग्जांपल नंबर 1 फाइंड द डोमेन ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग रियल वैल्यूड फंक्शंस। फाइंड द डोमेन ऑफ each of the following
find the domain of each of the following real valued functions. Find the domain of each of the following real valued functions. क्या क्या दे रखा है? First f x is equal to 1/(x+2). तो आप ये कहोगे कि भाई जब ये रियल फंक्शन है तो रियल फंक्शन में तो साफ साफ पता है ना डोमेन और रेंज दोनों के दोनों क्या होते हैं? रियल नंबर होते हैं। तो फिर इसमें बताने की क्या जरूरत है कि डोमेन आप अलग से बता रहे हो, अलग से क्या फायदा क्या है? देखिए हम ये कहते हैं कि रियल नंबर तो है लेकिन वो रियल नंबर जो है वो डिफाइंड तो होने चाहिए ना। तो हम ये बोलेंगे कि सारे के सारे रियल नंबर होंगे, डोमेन जो है वो सब रियल नंबर ही होगा, लेकिन ये फंक्शन डिफाइंड कब होगा? जब हमारा डिनोमिनेटर जीरो ना हो। बस हमारा डिनोमिनेटर जीरो ना हो तो हमें किसी भी तरीके से यहाँ पर यह देखना है कि हमारा जो डिनोमिनेटर आ रहा है वो जीरो के बराबर ना आए ताकि हमारा फंक्शन डिफाइंड रहे, मतलब मैं उस फंक्शन को डिफाइन कर सकूं। अच्छा, अब दूसरा एक चीज इसमें और आया करती है जब हम डोमेन निकालते हैं कि अंडर रूट के अंदर नेगेटिव टर्म ना आ जाए, क्योंकि अगर अंडर रूट के अंदर नेगेटिव टर्म आ गई तो भी हम बोलेंगे कि वो फंक्शन डिफाइन नहीं हो पाएगा। ठीक है, मतलब वो रियल नहीं हो पाएगा, वो इमेजिनरी हो जाएगा, क्योंकि अंडर रूट के अंदर नेगेटिव नंबर वाला कॉम्प्लेक्स नंबर आप एक चैप्टर पढ़ेंगे उसमें ये भी है कि अंडर रूट के अंदर नेगेटिव नंबर है तो भी हम उसको डिफाइन कह सकते हैं, लेकिन वो इमेजिनरी नंबर कहलाता है, इस वजह से रियल डोमेन नहीं होगा उसका। ठीक है ना, मतलब रियल फंक्शन उसको नहीं बोल सकते हम। तो इसलिए हमको यहाँ पर दो चीजें देखनी है, एक तो ये कि किसी भी तरीके से मेरा डिनोमिनेटर जीरो ना बने, और दूसरा ये देखना है कि अगर कहीं स्क्वायर रूट वाला कोई फंक्शन दे रखा है तो उसके अंदर स्क्वायर रूट के अंदर कोई नेगेटिव टर्म ना आए, क्योंकि अब तक आप ये देखिए अभी तक आपको मालूम है ना कि आप स्क्वायर रूट नेगेटिव नंबर का स्क्वायर रूट नहीं कैलकुलेट कर सकते, ये सब जानते हैं ना, ये सभी बच्चे जानते हैं ना कि हम नेगेटिव नंबर का स्क्वायर रूट कैलकुलेट नहीं कर सकते। ये तो सब बच्चे जानते हैं, इसमें कुछ नया तो नहीं बता रहा हूँ मैं। बताओ भाई आप 4 का तो स्क्वायर रूट निकाल सकते हैं, 4 का स्क्वायर रूट आइदर +2 or -2, लेकिन आप -4 का स्क्वायर रूट तो नहीं निकाल सकते ना। स्क्वायर रूट के अंदर नेगेटिव नंबर नहीं होना चाहिए कभी भी। अरे सब लोग शांत क्यों बैठे हो, मेरी बात तो समझ में आ रही है कि नहीं? Yes, sir. बोल दिया करो, पता नहीं क्या हो गया तुम्हें, जब से तुम्हारे 10th के पेपर कैंसिल हुए हैं ना सारे के सारे खोल रहते हो। चलो fx is equal to 1/(x+2), तो यहाँ पर हम ये कहेंगे और this function to be defined, ये जो x+2 है अगर ये 0 के बराबर हो गया तो ये फंक्शन आपका डिफाइंड नहीं होगा, इसका मतलब x+2 शुड नॉट बी इक्वल टू 0। तो 2 को इधर ले जाइए तो x शुड नॉट बी इक्वल टू -2, x आपका -2 के बराबर नहीं होना चाहिए, तो फिर किसके बराबर होना चाहिए? वो तो हमें पता ही है, रियल फंक्शन है, तो रियल फंक्शन का डोमेन क्या होगा? सारे के सारे रियल नंबर हो, बस -2 ना हो। तो इसलिए मैं बोलूंगा देयरफॉर domain of fx is R -2। ये domain है इसका, domain क्या है? All real number, बस उसमें -2 नहीं होनी चाहिए value, समझ गए कि x should not be equal to -2। ये सारे के सारे real number इसका domain होंगे, बस -2 नहीं होना चाहिए। बताइए clear है? ठीक है जी, सेकंड पार्ट देखता हूं उसका। अच्छा अर्जुन, तुम्हारे यहाँ स्कूल में क्या चल रहा है? सर हमारी तो सर मैथ्स की क्लासेस ये भी सर एक दो दिन पहले शुरू हुई हैं। क्या, दोबारा बताओ? सर मैथ्स की क्लासेस ये भी एक दो दिन पहले शुरू हुई हैं वेकेशन के बाद। अच्छा, तो अभी हुई नहीं है ढंग से शुरू? यस सर। ठीक है, दीपांजी तुम्हारे यहाँ? सर मेरे यहाँ पे भी अभी स्टार्ट हुई है, 2 ही क्लास हुई।
तो क्या चल रहा है उसमें? सेट्स। सेट्स चल रहा है, चलिए ठीक है। कृति तुम्हारे यहाँ? सर मेरे यहाँ क्लासेस स्टार्ट ही नहीं हुई। नहीं हुई है, ओके। पार्थ तुम्हारे यहाँ पर? सर यहाँ पर भी सेट्स ही चल रहे हैं। सर सेट्स चल रहा है। और विदुषी? सेट्स। ठीक है। लक्ष्य तुम्हारे यहाँ? अच्छा तुम्हारी आवाज ही आई। चलिए ठीक है, मैं इसको फिर फटाफट कंप्लीट करा कर ना लीनियर इनइक्वालिटी करूंगा शुरू। चलिए देखते हैं सेकंड पार्ट। fx is equal to x minus 1 upon x minus 3। x minus 1 upon x minus 3। सीधी सीधी बात है, जो भी एक मिनट। अच्छा तुम्हारे यहाँ भी सेट चल रहा है, चलिए ठीक है। चलिए तो इसमें भी मैं क्या देखूंगा कि जहां पर भी मुझे न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर टाइप का कोई फंक्शन दिखाई देता है तो हम क्या करेंगे, ये जो डिनोमिनेटर है x माइनस थ्री ये जीरो के बराबर नहीं होना चाहिए, तो हम बोलेंगे x माइनस थ्री शुड नॉट बी इक्वल टू जीरो, यानी कि x शुड नॉट बी इक्वल टू थ्री। x जो है वो थ्री के इक्वल नहीं होना चाहिए, दैट्स इट। अब सो डोमेन ऑफ fx is, क्या हो जाएगा डोमेन ऑफ fx बताएंगे? r माइनस थ्री। बिल्कुल सही, सारा रियल नंबर बस उसमें थ्री मत ले लेना, r माइनस थ्री। केवल एक एलिमेंट थ्री वो नहीं आना चाहिए, इसलिए एक एलिमेंट है तो कर्ली ब्रैकेट के अंदर डालकर लिखेंगे r माइनस थ्री, ये हो गया। इसी तरीके से थर्ड पार्ट देखें, fx is equal to 2x minus 3। fx is equal to 2x minus 3 upon x square minus 3x plus 2, x square minus 3x। अगर फंक्शन में हमें डिनोमिनेटर नहीं दे रखा होता तो हम क्या कैसे निकालते हैं उसका डोमेन? डिनोमिनेटर अगर नहीं दे रखा है तो आप बोल देंगे डोमेन क्या है, ऑल रियल नंबर, r हो गया फिर डिनोमिनेटर, जो आपका डोमेन है वो r हो गया। ओके सर ठीक है। अब जरा देखो डिनोमिनेटर को सॉल्व करो यहां, 2x minus 3 upon इसका मिडटर्म स्प्लिटिंग कर दो, x square minus 2x minus 1x plus 2, क्योंकि मैं जानता हूँ minus 2x minus 1x करूँगा तो minus 3x हो जाएगा और minus 2 into minus 1 करूँगा तो plus का 2 हो जाएगा। इन दोनों में अगर कुछ कॉमन लिया जाए तो क्या कॉमन आ जाएगा, x कॉमन ले लिया तो यहाँ बचेगा x minus 2, इन दोनों में minus 1 कॉमन ले लो तो यहाँ बचेगा x minus 2, ये हो गया। तो ये अब हमारे पास आ गया ऐसे 2x minus 3 upon x minus 1 into x minus 2। तो आप ये देखो डिनोमिनेटर अगर x minus 1 जीरो हो गया तो भी डिनोमिनेटर जीरो हो जाएगा, x minus 2 जीरो हो गया तो भी डिनोमिनेटर जीरो हो जाएगा। मैं ये कहूंगा x minus 1 should not be equal to 0 and x minus 2 ये भी जीरो के बराबर नहीं होना चाहिए, मतलब x should not be equal to 1 and x should not be equal to 2। मेरी बात समझ में आ गई? Yes sir। कि x yes, sir। 1 के बराबर हो और x ना ही 2 के बराबर हो तो इस केस में डोमेन क्या हो जाएगा बताएंगे? r minus 1 comma 2। बिल्कुल सही। तो डोमेन ऑफ fx इज इक्वल टू r माइनस 1, 2, ये हमारा हो गया इस केस का डोमेन, ठीक है। तो देखिएगा ये इसके तीन ही एग्जांपल हैं, मैंने अभी पहला बताया, बाकी के भी कोई खास मुश्किल है नहीं। मैं आपको भेजूंगा इसके क्वेश्चंस, आप लोग ट्राई करिएगा, उसके बाद कुछ हमारे स्टैंडर्ड फंक्शंस हैं, ठीक है। इतना करते हैं, डोमेन तक करते हैं और फिर उसके बाद में मैं जल्दी ही मतलब मैं नेक्स्ट क्लास आपकी मोस्ट प्रोबेबली, याद रखिएगा कि कल रात को 9 बजे लूंगा और कल रात को 9 बजे जो क्लास है उसमें मैं लीनियर इनइक्वालिटीज स्टार्ट करा रहा हूँ, ठीक है। बाकी फंक्शंस में अभी जितना कराया है उसका होमवर्क मैं आपको भेजूंगा, ठीक है। तो
तो अभी के लिए आज के लिए इतना ही करते। थैंक यू सर। चलिए जी, ओके।